मैं हूं पंकज और स्वागत है आप सभी का इजी टैग पंकज के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप यूज करते होंगे तो कभी ना कभी आप जो व्हाट्सएप ओपन करते हैं, सेटिंग में जाते हैं ना, और आपकी जो प्रोफाइल पिक आपको दिखती है तो वहां पर उसके बगल में ही आपको एक क्यूआर कोड दिखता होगा। आप यहां पर देख सकते हैं, इस तरीके से देखिए, आपको यहां पर क्यूआर कोड नजर आता होगा। इस पर आप टैप करेंगे तो आपको पूरा क्यूआर कोड बना हुआ आ जाएगा। तो आज मैं बताने वाला हूं कि क्यूआर कोड होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। और मैं देखिए यहाँ गारंटी से बोल सकता हूँ, 90% लोग ऐसे हैं ना व्हाट्सएप में जो व्हाट्सएप तो यूज कर रहे हैं लेकिन उस क्यूआर कोड का मतलब आपको नहीं पता है। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, इस क्यूआर कोड से ना आपका व्हाट्सएप जो है वो कोई हैक भी कर सकता है, पूरी तरह से जो आपका व्हाट्सएप अकाउंट है अपने देखिए वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। तो क्या इसका मतलब है, तो सबसे पहले हम जानते हैं इस क्यूआर कोड को बोलते हैं क्या है, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम होता है व्हाट्सएप डीपी QR कोड। देखिए आपकी DP के बगल में ये नजर आता है, इसे आप क्लिक करेंगे तो QR कोड एक जनरेट हो जाता है। तो इसका यूज क्या है, देखिए सबसे पहले देखिए इसका जो यूज है ना वो देखिए क्या है। अगर इसको आप क्या करते हैं, दूसरे फोन से अपने स्कैन करते हैं इस QR कोड को, देखिए QR कोड होता है स्कैन करने के लिए, जैसे ही आप क्या करेंगे दूसरे फोन में देखिए क्या करेंगे स्कैन करेंगे तो व्हाट्सएप आपका उस फोन में स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये इसलिए दिया गया है कि आप इसको पर्सनली यूज कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए ये QR कोड कोई आपका फ्रेंड है, देखिए उसको क्या करता है QR कोड वो स्कैन करता है, तो आपका जो पूरा अकाउंट होगा ना वो अपने अंडर ले सकता है, आपकी चैटिंग देख सकता है, आपकी देखिए प्राइवेट चैट को वहां पर पढ़ सकता है, पूरा एक्सेस उसके पास चला जाएगा। तो ये काफी प्राइवेसी वाली चीज भी, आपने इस पर गौर कभी नहीं करा होगा लेकिन जिसको पता होगा ना वो आपके साथ ये धोखा कभी भी कर सकता है। उसको करना क्या है, सिर्फ QR कोड आपका ओपन करना है, अपने फोन में स्कैन करना है और वहां पर उसका देखिए अपने फोन में क्या कर सकते हैं, अपना जो आपका व्हाट्सएप ना उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो पूरा एक्सेस आपके व्हाट्सएप का उसके फोन में चला जाएगा। तो ये काफी प्राइवेसी वाली चीज है। आप इसका देखिए यूज तो इसलिए दिया गया जिसपे आप ट्रस्ट करते हैं, तो होगा क्या वो अगर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं अपने फोन में, जैसे उनके फोन में आपको यूज करना है तो QR कोड आपको स्कैन करना है और आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर होगा उनके पास चले जाएगा, आप वहां पर क्या कर सकते हैं व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं। तो इसलिए आपकी सुविधा के लिए दिया गया है, लेकिन इसका गलत यूज भी लोग कर सकते हैं। तो भाई आपको देखिए करना क्या है, अगर आप किसी के साथ शेयर करना है तो कर सकते हैं, आपके रिलेटिव है, कोई जान पहचान वाले दोस्त है जिसमें आपको ट्रस्ट है कि वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके साथ उसको शेयर कर सकते हैं, उससे डायरेक्टली आपका जो व्हाट्सएप होता है चालू हो जाता है उनके फोन में। तो ये मेन आपको बनाया गया था किस लिए, जिससे कि आप यूज कर सकें दूसरे फोन में आसानी से, ठीक। तो इसका गलत यूज भी मैंने आपको बता दिया है कि पूरा कोई आ देखिए आपका एक्सेस ले सकता है व्हाट्सएप जो आप यूज कर रहे हैं उसका। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान ही देना है, जो QR कोड दिखता है ना नॉर्मल QR कोड नहीं है, आपकी प्राइवेसी जुड़ा हुआ QR कोड यहां पर दिया गया है। तो आई होप दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा जो व्हाट्सएप पे आपको एक QR कोड नजर आता है ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इसको नॉर्मली लेते होंगे लेकिन इससे आपका जो पूरा जो व्हाट्सएप अकाउंट है ना वो हैक हो सकता है, किसी कोई भी इसको देखिए पूरी तरह से एक्सेस कर सकता है अगर वो इसको स्कैन करता है और अपने फोन में चलाता है। तो ध्यान से देखिए व्हाट्सएप यूज करिएगा आप, क्योंकि आजकल देखिए बहुत से मामले ऐसे हैं जो हैक कर देते हैं आपके व्हाट्सएप अकाउंट को। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हो नई वीडियो बहुत ही जल्द इजी टाइप विद पंकज में।